और ये जो हम कह रहे हैं कि वहां पे इन्वर्टेड यील्ड कर्व है, विच मीन्स कि मेरा जो 10 ईयर्स का या 20 ईयर्स का जो यील्ड है वो मेरा शॉर्ट टर्म 10 ईयर से कम है, तो इज इट बिकॉज दैट डिमांड फॉर यूएस ट्रेजरी इज नॉट देयर एंड दैट्स व्हाई इट इज लोअर, पीपल आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट? हाँ ऐसा भी मान सकते हैं, और ऐसा भी मान सकते हैं कि आज जो इंटरेस्ट रेट्स खड़े हैं ओवरनाइट या लेटर से शॉर्टर पीरियड के, वो हायर खड़े हुए हैं, एंड लॉन्गर टेन्योर में लोग कह रहे हैं भाई इसमें कुछ बचा नहीं है इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी तो रिसेशन में गई, तो इनको तो कंसिडरेबली लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट रेट्स नीचे रखने पड़े। इसमें भी मैं आपको आंसर यूँ देता हूँ, कई बार यील्ड इसलिए भी गिरता है गोइंग फॉरवर्ड का, क्योंकि कई कंट्रीज ऐसा परसीव करते हैं कि भाई भाई यूएस तू कागज का टुकड़ा मेरे को दे दे यार, मेरे को पैसे लगाने हैं यार, तू चाहे मेरे को इंटरेस्ट ना दियो यार, आप मेरे लैंग्वेज और एक्शन पे समझना है ना। जब ऐसा होता है तो फिर तो इसका मतलब यूएस माई बाप है, और वर्ल्ड कह रहा है भाई मेरे को वर्ल्ड से बड़ा डर लग रहा है, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, भाई यूएस प्लीज यार तू मेरे पैसे पाक कर ले, तू मेरे को चाहे इंटरेस्ट कम दे दियो ना दे दियो, मगर मेरा कैपिटल तो प्रोटेक्शन स्कीम हो गई, कैपिटल प्रोटेक्शन स्कीम। तो जब ऐसा सीन होता है तो यील्ड गिरना इज गुड फॉर यूएस बट बैड फॉर द वर्ल्ड, बट जब यील्ड गिर रहा हो क्यों, क्योंकि कोई कह रहा भाई हेलो अपने गौरी जी यार ये इंटरेस्ट तो गिरने हैं और गिरेंगे और गिरेंगे और गिरेंगे, तो इट इज बैड फॉर यूएस, माइट नॉट बी बैड फॉर द वर्ल्ड, डिपेंडिंग कौन सी इकोनॉमी। तो इसका मतलब जो यील्ड कर्व है उसको आइसोलेशन में आप कभी भी इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, हाँ देयर हैज तभी टू मैं, बी हाँ तब तभी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बॉन्ड मार्केट इतनी ब्यूटीफुल मार्केट है, एंड बेस्ट पार्ट क्या है मेरे को थोड़ा अलाउ करो तो, बॉन्ड मार्केट इंडिया में डेवलप नहीं है खास, इसलिए इंडिया में जितने भी हम जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं बनते हैं, CFA करते हैं, CS करते हैं, IIM से पढ़ते हैं, ISB से पढ़ते हैं, बॉन्ड मार्केट डेवलप्ड ही नहीं है तो पढ़ाने वाले को आता ही नहीं है, तो पढ़ने वाले को वैसे ही नहीं समझ, तो उसके कारण बॉन्ड मार्केट का एक्सपोजर बहुत कम होता है। ये वही बात होगी जैसे आप पोर्टफोलियो एजुकेशन में सीख रहे हैं कि शेयर मार्केट का एक्सपोजर बहुत कम क्यों है, क्योंकि शेयर मार्केट लोग जानते बहुत हैं तो उनको लगता है उनका एक्सपोजर हाई है, मगर जो असली मार्केट है वो डेरिवेटिव्स वाली शुरू होती है, ऐसी सेम डेरिवेटिव्स की मार्केट कहां से पैदा होती है, बैंक की ट्रेजरी से, ऐसी बॉन्ड मार्केट कौन सा प्रोडक्ट है, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है, कहां से शुरू होता है, बैंक की ट्रेजरी। बॉन्ड और इक्विटी में सिर्फ फर्क यह है कि इक्विटी में रिटेल आदमी पार्टिसिपेशन करते 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 उसको खुद को लगने लग गया भाई मेरे को इक्विटी आती है, बॉन्ड मार्केट वो करता नहीं है, बॉन्ड मार्केट वो करता नहीं है, तो इसलिए उसको ऐसा वहम भी नहीं है कि उसको बॉन्ड मार्केट आता, आप समझ गए ना पॉइंट।